कोई फेस्टिवल हो और बेसन के लड्डू ना बने, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और बेसन के लड्डू सिर्फ 10 मिनट में? जी हाँ, हम इस बार बनाएंगे बेसन के लड्डू माइक्रोवेव में। तो चलिए देखते हैं इसकी बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी। लड्डू के लिए पहले आप ले लें 1 कटोरी बेसन, आधा कटोरी पिसी हुई शक्कर या बूरा, 4 बड़े चम्मच घी के जिसे हम बाद में पिघलाएंगे, 4 से 5 इलायची का पाउडर, 2 बड़े चम्मच ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से आप गार्निशिंग के लिए भी रखिएगा, और 1 बड़ा चम्मच रवा का। पहले आप माइक्रोवेव से बाउल ले लें और उसमें घी डाल दें, और घी को 30 सेकंड के लिए मतलब 30 सेकंड के लिए आप माइक्रोवेव में पिघला लें। ये देखिए घी अच्छे से पिघल चुका है, मतलब मेल्ट हो चुका है। फिर इसमें आप डाल दें बेसन। अगर आपको दानेदार लड्डू पसंद है मेरे जैसे, तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच रवा डालिएगा, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। घी की क्वांटिटी भी बेसन पे डिपेंड करती है कि बेसन कैसा है। अगर आपने चक्की में बेसन पिसवाया है तो उसके लिए आपको घी कम लगेगा, और जैसे मैंने रेडीमेड इसमें बेसन यूज़ किया है तो इसमें मुझे घी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। घी डालने के बाद और बेसन और रवा डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि बेसन में अच्छे से घी लग जाए। तो पहले आप इसे चम्मच से मिला लें क्योंकि घी थोड़ा गर्म है, और जब घी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसे आप हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। हाथ से मिक्स करने में ये एक फायदा होता है कि जो बेसन है और जो घी है वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। बेसन में सभी तरफ से घी अच्छे से लग जाता है और इसमें कोई लम्स भी नहीं रहते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप अच्छे से इसे मैश कर लीजिए और इसे मिक्स करते जाइए। बेसन के लड्डू जब हम किसी बर्तन में बनाते हैं तो उसे लगातार चलाना पड़ता है, जिससे समय भी ज़्यादा लगता है और हाथों में दर्द भी हो जाता है। तो आप एक बार माइक्रोवेव में ये लड्डू बना के ज़रूर देखिएगा। ये जल्दी भी बनता है और बिल्कुल टेस्ट वैसा ही रहता है जो हम बर्तन में बनाते हैं। तो इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और पहले हम इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में चलाएंगे। टोटल मुझे इसमें पूरे 5 मिनट लगे, 5 मिनट्स। तो पहले 30 सेकंड के लिए हम बेसन को इसमें भूंजेंगे। तो जो 5 मिनट है, आप इसमें हर 30 से 45 सेकंड में माइक्रोवेव ओपन करके बेसन चेक कर लिएगा, और इसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि जो बेसन है इवनली मतलब सभी तरीके से सभी तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाए और घी के साथ पक जाए। तो फिर से मैं इसे 30 सेकंड के लिए चला रही हूँ, और ऐसा आपको ये तब तक करना है जब तक कि बेसन में से अच्छी खुशबू ना आने लग जाए और उसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए, इसे हर बार आप 30 से 45 सेकंड के बाद ओपन करके इसे मिक्स करके आप फिर से इसको माइक्रोवेव में डालिए। तो मुझे बेसन भूनने में लगा 5 मिनट। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके का माइक्रोवेव है, तो आपको 1 मिनट कम या ज़्यादा भी लग सकता है। और जब बेसन में से अच्छी खुशबू आने लग जाए और उसका कलर थोड़ा गोल्डन हो जाए, इसका मतलब कि बेसन हो चुका है। तो जब बेसन थोड़ा सा कुनकुना हो जाए, आप उसमें डाल दें पिसी हुई शक्कर, इलायची पाउडर और कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपके पसंद का। तो आप एकदम गर्म बेसन में शक्कर मत मिलाइएगा, बेसन ऐसा हो कि आप बस उसे टच कर सकें, उतना ही गर्म हो। और फिर शक्कर डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं ताकि शक्कर और जो बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छे से आए। ड्राई फ्रूट्स के फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब हम छोटे थे और मेरी माँ रसोई में बेसन के लड्डू बनाती थी, तो वो हमें पूछती थी हॉल में आके कि तुमको खुशबू आ रही है कि नहीं बेसन की। तो जब हम बोलते थे हाँ आ रही है, इसका मतलब था कि बेसन भून चुका है। तो आपके पूरे घर में एक बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा बेसन का। तो वही एक पॉइंट है चेक करने का कि यस बेसन हो चुका है। या फिर इसका आप कलर देखिएगा, पहले ये बिल्कुल ही वाइट था, हल्का पीलापन था, और अब ये अच्छे से गोल्डन कलर का हो चुका है। और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद आप इसे रूम टेम्परेचर में ही रख दीजिए। तो 10 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, मुझे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसके लड्डू अभी नहीं बन रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें रेडीमेड बेसन यूज़ किया है।
तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच घी है वो और डालूंगी। याद रखिएगा कि घी आप इसमें पिघला के ही डालिएगा। जब थोड़ा सा ये देखिए, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी और डाले हैं, तो आप इसे आधा आधा करके ही डालिएगा, देखने के लिए कि आपको कितना घी लग सकता है इसमें। आप एक साथ इसमें पूरा घी मत डालिएगा, नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ही गीला हो जाता है और उसका लड्डू बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपका जो लड्डू का मिक्सचर है वो काफ़ी ड्राई है, तो आप उसमें घी डालिएगा। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा गीला बन गया है तो आप उसमें भुना हुआ बेसन और डाल सकते हैं या फिर दूध पाउडर डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें 1 बड़ा चम्मच पहले डाला और फिर 1 बड़ा चम्मच डाला है, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अगर इसमें आपको और घी लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। घी और बेसन आप अच्छे से मिक्स करिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, नहीं तो वो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं लड्डू में। और ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब ये एकदम ही परफेक्ट टेक्सचर है लड्डू का। ये देखिए, ये बंद भी रहे हैं अच्छे से। तो आपको जितने बड़े साइज का लड्डू चाहिए, छोटा चाहिए या फिर मीडियम या फिर बड़े वाले लड्डू चाहिए, तो आप इसे दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से लीजिए और अच्छे से प्रेस करके इसको लड्डू का शेप दीजिए। और ये देखिए कितने आसानी और जल्दी से ये लड्डू बन चुके हैं। तो आप ये रेसिपी एक बार ट्राई कर जरूर करिएगा और मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।